नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सुंडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक दिया है और गॉड ब्लेस यू। तो जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, विश करते हैं, तो यहाँ पर जो है मे का यूज़ होगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आई कम इन सर के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज्ञा लेने के लिए, आगे देख सकते हैं विच ऑफ करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें से हमको बताना कि कौन से वर्ड की जो है स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पर रिसीव जो है उसकी स्पेलिंग सही है दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग है सी। आगे देख सकते हैं बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड, तो कहलाता है वर्च्यू, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख सकते हैं द वेदर रिपोर्ट सेज इट रेन टुडे, तो यहां पर जो है संभावना बताई जा रही है, तो यहां पर हो जाएगा कैन का यूज होगा दोस्तों, ए आंसर होगा यहां। आगे देख सकते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो दे वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं टेंस वाला है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यह होता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। यहाँ पर दे वेंट सेकेंड फॉर्म है टू मार्केट, तो यहाँ पर जो है दे वेंट टू मार्केट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बी आंसर होगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिस वर्ड इज जम्प्ड ऑटमनर, चूज द करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा मेंटर, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी आंसर होगा। आगे देख सकते हैं रैमिंग वर्ड फॉर हाई का रैमिंग टाई, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख सकते हैं द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टेल इज, तो यहाँ पर हमको एंटोनिम्स बताना है, विरुद्धार्थी शब्द बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्टेल का हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा, डी आंसर होगा दोस्तों। आगे देख सकते हैं माई फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और फिर ब्रदर है दोस्तों यहाँ पर, और ऑब्वियसली है और इज देन मी, तो यहाँ पर दोस्तों शुरू में ये आंसर होगा, शुरू में एल्डर आ जाएगा, माय एल्डर ब्रदर, ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, तो यहाँ पर ओल्डर आ जाएगा, तो यहाँ पर ए आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब हमको बताना है ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली और ब्यूटी फ्लाई में ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब है दोस्तों, सी आंसर होगा। आगे देख सकते हैं देयर इज नॉट वाटर इन द बॉकेट, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर यूज होगा मच का, मच, देयर इज नॉट मच वाटर इन द बॉकेट। आगे देख सकते हैं ही सेड जया इज डांसिंग, द इनडायरेक्ट स्पीच इज, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही सेड तो आ जाएगा, फिर दैट भी आएगा और जया इज डांसिंग, तो यह सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट जया वाज डांसिंग हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ए वाला आंसर आ जाएगा हमारा। आगे देखते हैं द एलिफेंट, एलिफेंट का जो साउंड होता है ट्रम्पेट होता है, तो यहाँ पर दोस्तों सी आंसर होगा। आगे देख सकते हैं राम किल्ड रामन, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज, तो पैसिव वॉइस हमको बनाना है, तो यहाँ पर रामन हो जाएगा, रामन, और फिर वाज किल्ड बाई राम, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रावण वाज किल्ड बाय राम। आगे देख सकते हैं
गिव द प्यूरल फॉर्म ऑफ डियर, डियर का प्यूरल जो है सेम होगा दोस्तों, डियर ही होता है। तो इसी प्रकार से जो है आज हमें 15 क्वेश्चन देखे, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको जरूर आप तैयार करिए, इनसे रिलेटेड ही इसी पैटर्न के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।